वेलकम टू एमएससी एग्जाम। चलिए दोस्तों एक बड़ी अपडेट, नियोजित शिक्षकों को मिलेगा वित्तीय संरक्षण का लाभ। चलिए क्या है न्यूज़। माध्यमिक व उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में योगदान करने वाले नियोजित शिक्षकों को मिलेगा 40,000 रुपये प्रतिमाह वेतन। जी हाँ, नियोजित शिक्षकों को मिलेगा वित्तीय संरक्षण का लाभ। नियोजित शिक्षकों को मिलेगा वित्तीय संरक्षण का लाभ। माध्यमिक व उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में योगदान करने वाले नवनियुक्त नियोजित शिक्षकों को मिलेगा 40,000 रुपये प्रतिमाह वेतन। बिहार पटना। नियोजित शिक्षकों को वित्तीय संरक्षण का मिलेगा लाभ। नियोजित शिक्षकों के दूसरे नियोजन में योगदान करने वित्तीय संरक्षण का लाभ मिलने के विषय में सूचना के अधिकार तहत शिक्षा विभाग से पूछे गए प्रश्न के जवाब में शिक्षा विभाग ने कहा है कि नियोजित शिक्षक के संशोधित नियमावली 2020 के अनुसार नियोजित शिक्षकों को वित्तीय संरक्षण का लाभ मिलेगा। वित्तीय संरक्षण का लाभ ऐसे नियोजित शिक्षकों को मिलेगा जो प्रारंभिक विद्यालयों में वर्तमान में नियोजित शिक्षक के पद पर पदस्थापित हैं और वो शिक्षक दूसरे नियोजन इकाई यानी माध्यमिक या उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में STET उत्तीर्ण कर नियुक्ति पत्र प्राप्त करते हैं। ऐसे नियोजित शिक्षकों को संशोधित नियमावली 2020 के अनुसार वित्तीय संरक्षण का लाभ मिलेगा। वित्तीय संरक्षण का अर्थ जिस मूल वेतन पर नियोजित शिक्षक प्रारंभिक विद्यालय में पदस्थापित है वही मूल वेतन के साथ माध्यमिक या उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में योगदान करने पर नवनियुक्त नियोजित शिक्षकों को वही मूल वेतन को आधार मानकर वेतन का भुगतान किया जाएगा। इससे प्रारंभिक से माध्यमिक व उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में योगदान करने वाले शिक्षकों के वेतन में कमी नहीं होगी। इसका फायदा ये होगा कि अधिक संख्या में शिक्षक माध्यमिक व उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में योगदान करें। वित्तीय संरक्षण का लाभ मिलने से नियोजित शिक्षकों को वेतन घटने की बजाय वेतन बढ़ जाएगा। माध्यमिक व उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में योगदान करने वाले नवनियुक्त शिक्षकों को 40,000 रुपये वेतन का भुगतान किया जाएगा। 40,000 रुपये वेतन ऐसे नियोजित शिक्षकों को मिलेगा जो पहले से प्रारंभिक स्कूलों में नियुक्त थे और STET उत्तीर्ण कर सातवें चरण के शिक्षक बहाली 2022 में माध्यमिक व उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में योगदान करेंगे।